बांसुर की ग्राम पंचायत भूपसेड़ा में आयुर्वेद और चिकित्सा विभाग द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े का ग्रामवासियों को वितरण किया गया। निरोग बांसुर स्वस्थ बांसुर अभियान के संयोजक एडवोकेट विकास जोशी ने बताया कि डॉक्टर रतिराम कुमावत एवं ब्रजमोहन शर्मा द्वारा ग्राम भूपसेड़ा में आयुर्वेद काढ़ा बनाया गया, जिसमें जनसेवक एडवोकेट विकास जोशी एवं गाँव के युवाओं की टीम ने अपना योगदान दिया। एडवोकेट विकास जोशी ने हमारे संवाददाता सुनील रांगेरा को बताया कि गांव भूपसेड़ा में 500 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाया गया। काढ़ा वितरण होने पर गांव के लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ तथा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब तक ग्राम पंचायत लेसड़ी, रसनाड़ी, मंगलवा, होलावास तथा भूपसेड़ा में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही विकास जोशी ने SDM राकेश मीणा तथा BCMO डॉक्टर मनोज यादव का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सरपंच कैलाश यादव, ज्योति गुरुजी, नरेश यादव, राजेंद्र यादव, सुनील स्वामी, विजयपाल यादव, युवा नेता रवि यादव, संदीप यादव सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। जो आयुष मंत्रालय है उसकी और राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग का निर्देश दिया गया है विशेष रूप से। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये काढ़ा है जो आप पूरी तहसील में पिला रहे हैं क्या? देखिए, ये हमने शुरुआत अपने बांसुर जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ से की थी। सबसे पहले हमने ये काढ़ा सभी उन कर्मचारियों को पिलाया था जो कि कोरोना के लिए आगे आए हैं, जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनको बचाव के लिए काढ़ा उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास वितरण किया जा रहा था, आज हमारी ग्राम पंचायत भूपसेड़ा में भी इस प्रकार का आयोजन किया गया और जिसमें 500 से अधिक लोगों ने इस काढ़े का उपयोग किया और इससे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में कामयाब होगी और कोरोना जैसी महामारी कम होगी, संक्रमण कम होगा। सतर्कता एवं जागरूकता, लगभग 500 लोगों का हमने काढ़ा बनवाया है और अभी गांव वाले ये कह रहे हैं कि एक बार और काढ़ा बन जाए तो और लोगों के पास भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ये मेन रोड पे है और चलते हुए लोग भी इस काढ़े का सदुपयोग कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सब नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे कैलाश जी जो सरपंच साहब हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर रतिराम जी का कोई बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर रहा, ये मेरा दायित्व और ड्यूटी है, राज्य सरकार के निर्देश है और विशेषकर SDM बांसुर राकेश जी मीणा और BCMO साहब के आदेश की पालना करना एक कर्मचारी की हैसियत से कर रहा हूँ। और बड़ा प्यार मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है और विशेषकर आप जैसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम कर्मचारियों में एक जोश भरा। गांव में करीबन 500 आदमियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया है, जिससे गांव में बहुत ही बढ़िया ये संक्रमण कम होगा